दोस्तों आज हम बात करते हैं राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी तथा पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता पूर्व चेयरमैन अंशुमान सिंह से। आपका चुनावी एजेंडा क्या है? आपने चुनावी एजेंडा पर उस बिंद पर आपने मुझसे कहा है तो बांसगांव टाउन एरिया के विकास के लिए हमारे मुख्य बिंदु प्रमुख बिंदु है जो मेरे द्वारा स्थापित किया गया है। नगर वासियों के आवागमन है, सभी सड़कों सभी गलियों सभी सड़कों का नवीनीकरण कर उसका पुनर्निर्माण कर सभी गड्ढा को मुक्त कराना मेरी प्रथम प्राथमिकता होगी। दूसरा, मजदूर किसान ठेले खोमचे वालों की समस्या को दूर करके उनके खुशहाली के लिए हर संभव प्रयास करना मेरी प्राथमिकता होगी। बालकों के लिए, नौनिहालों के लिए सम्यक शिक्षा एवं नागरिकों के लिए उचित स्वास्थ्य व्यवस्था कराना मेरी प्रथम प्राथमिकता होगी। शुद्ध पेयजल, सिंचाई व्यवस्था, इन सारी पहलुओं पर मुझे ध्यान देना होगा। सबसे बड़ी समस्या यह है कि यहां के संवैधानिक जो भी उसमें निहित अधिकार है यहां के लोगों को उसका 100% जानकारी नहीं है। तो लोग संविधान के और संविधान और उसमें निहित अधिकारों को जन जन तक पहुंचाना एवं उनको जागरूक करना मेरी प्राथमिकता हो। मान लीजिए कि यहाँ पर हमारे जो है नौनिहाल जो है या हमारे खिलाड़ी जो है कहीं फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं, इन सब खेलों पर ध्यान देते हुए एक उपकरण, इनके लिए अच्छे उपकरण की व्यवस्था कराना, एक छोटा सा स्टेडियम और उसमें कोच की व्यवस्था कराना हमारी प्रथम प्राथमिकता होगी, जिससे कि हमारे यहाँ के खिलाड़ी प्रदेश स्तर पर जाकर के इस गांव का जो है सम्मान मान मर्यादा और ऊंचाइयों को छुए, ये हमारी प्रथम प्राथमिकता होगी। फिर मैरिज हाउस, शादी विवाहों के लिए बहुत ही अल्प जो है किराए पर, इससे उसका जो है जैसे माने मैरिज हाउस अपना लोग प्राइवेट मैरिज हाउस स्थापित किए हैं, कहीं 50,000, कहीं 25,000, कहीं 60,000, कहीं 70,000, उस पर जो है बहुत न्यूनतम फीस लेकर के टाउन एरिया के लोगों को वैवाहिक कार्यक्रम और जो भी मतलब है अपना वहां स्थापित कर सुचारू रूप से, ये हमारी प्राथमिकता होगी। पर्यावरण के लिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधों का रोपण करना हमारी प्राथमिकता होगी। जैसे मान लीजिए कि जगह जगह जो है लड़के जो है अपना जाते हैं, जितने उनकी मेधा को प्रदर्शित नहीं कर पाते उनकी मेधा के लिए, चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के हो, कोचिंग सेंटर नहीं है, अच्छे कोचिंग सेंटर की व्यवस्था, लड़कियों के लिए डिग्री कॉलेज की व्यवस्था और गर्ल इंटर कॉलेज जो है वहां पर पठन पाठन की व्यवस्था ध्वस्त है, उसको सुचारू रूप से चलवाना मेरी प्रथम प्राथमिकता होगी। अगर आप अध्यक्ष बनते हैं तो सबसे पहले कौन सा काम करेंगे? अध्यक्ष और बनेंगे तो सबसे पहला काम तो यह होगा, जो आज से 10 साल पहले जिन सड़कों का निर्माण कराया था, आज सड़कें ध्वस्त हो गई हैं, रिपेयर तक नहीं हो पाया, पहले तो उन सड़कों का पुनरुत्थान करके उनको नए सिरे से बनवाने का काम। क्या चुनाव जीतने के लिए मांस मदिरा और मनी बांटना आवश्यक है? बिल्कुल वर्जित है, ये नहीं होना चाहिए। नगर पंचायत की सबसे बड़ी समस्या क्या है? नगर पंचायत की सबसे बड़ी समस्या पहले तो यह शुद्ध पेयजल की, यहाँ पर शुद्ध पेयजल नहीं है, लोग खराब पानी पी रहे हैं जिससे जो है तमाम तरह की संक्रामक बीमारियां फैल रही है। तो हमारी प्रथम प्राथमिकता होगी कि शुद्ध पेयजल पर ध्यान देते हुए जो पुरानी जो टंकियां हैं उनको
बनवाने का काम करेंगे, फिर से जो है उसे रिपेयरिंग कराने का काम करेंगे और चाहेंगे कि वो टंकी सुचारू रूप से चले और शुद्ध पेयजल लोगों को प्राप्त। आपने अपने कार्यकाल में पेयजल की व्यवस्था कैसे कराई? मैं अपने कार्यकाल में जब सबसे पहले जब मैं शपथ लिया तो पहले जो ये पुरानी टंकी बनी हुई थी उस टंकी से पानी नहीं आ रहा था। उसकी जब हमने जांच कराया तो उसकी पाइपें खराब थी, बहुत ही थर्ड क्लास की पाइपें डाली गई थी। उस पाइपों का मैंने जो है रिपेयर कराया, रिपेयर करा करके पानी दिया और मैंने घोषणा कराया कि हर लोगों से कि आप जो है कनेक्शन ले लो, लेकिन यह कनेक्शन कोई नहीं दिया तो पानी जो है सड़कों पर बहवाया गया। हर जगह जो है उसे जगह जगह पर जा करके उसको गड्ढा किया गया, कलेक्शन किया गया, किसमें पानी गिरा। अंत में उससे भी जब निजात नहीं मिला तो टंकी का जो पाइप जो है उसका पाइपलाइन फट जाने के कारण उसको हमने बंद करा दिया और आज तक वो टंकी जो है बंद है, टंकी चल नहीं रही है। लेकिन आज लोग जागरूक हो गए, उन्हें एहसास हो गया कि शुद्ध पेयजल पीने से हमारा स्वास्थ्य निरंतर जो है स्वास्थ्य में सुधार आएगा। अब लोग जागरूक हो गए हैं, इसलिए मेरी प्रथम प्राथमिकता ये होगी कि जो ही मैं शपथ लूं शुद्ध पेयजल पर ध्यान दूं और पानी की समस्या से अच्छे खराब पानी की निजात दिलाऊं, अच्छे पानी स्वच्छ जल को पीने के लिए जनता को जागरूक करूं। जब पूर्व में अध्यक्ष रहे तो आपने विकास कार्यों के लिए क्या क्या किया? उस समय जब हम अध्यक्ष हुए तो 43 लाख का बजट था। हमने देखा है टाउन एरिया के लिए नाकाफी है, इसलिए हमने 1,09,00,000 रुपया निधि से बढ़ाने का काम किया, निधि को बढ़ाने का काम किया। और फिर उसके बाद हमने इसको आदर्श नगर पंचायत बनवाया जिसमें हमने लगभग 3.5 से 4 करोड़ रुपया हमने लाया और इस टाउन एरिया को मैंने जो विकास से सुसज्जित कर दिया। विकास उस समय कराया जब खड़े अंकारी खड़न कर रहे थे मेरे साथ। ऐसे खड़यंत के समय उस समय कोई भी आदमी रहता मेरी जगह पर तो अपना धैर्य खो देता है, या तो कुमा में चला जाता था, या तो जो है हार्ट अटैक हो जाता है, या तो बेड पर रहता। लेकिन इसके बावजूद भी मैंने विकास की धारा को ऐसा अंजाम दिया कि आज जब चांदनी रात आती है तो पूरे टाउन एरिया में उजाला ही उजाला दिखाई देता है। मैंने संगठित विकास योजना से 2 करोड़ रुपया लाया, मैंने डूडा से करोड़ों करोड़ लाया और कोई भी गली ऐसी नहीं है मेरे समय में जिसको इंटरलॉकिंग से मैंने युक्त नहीं किया। तो मेरी प्राथमिकता पुनः जो भी मेरे समय में अधूरे काम है इसी तरह से ज्यादा बजट सरकार से ला करके अपने स्तर से ला करके टाउन एरिया के विकास के लिए हम कार्य करेंगे और हम चाहेंगे कि इसे इंप्रेस बना दें, मेरा सपना है। मैंने अपने समय में जो हमारे साथ नौजवान थे जिनके घर दोहद की रोटी के लिए पैसे नहीं थे, 42 नौजवानों को रोजगार देकर उनके घर में उनके चूल्हे में चूल्हे जलवाने का मैं कार्य किया था। और जो भी मतलब इस टाउन एरिया के नौजवानों के लिए जो भी मुझसे बन पड़ा वो मैं किया। टाउन एरिया में हमेशा हर साल जो है फुटबॉल मैच होता है, क्रिकेट मैच होता है, जब भी लोगों ने मुझे बुलाया, मुझे आमंत्रित किया, मैं क्षण मात्र में उनके बीच आया और जितना मुझसे बन पड़ा वह उनके लिए मैं योगदान किया। और यह 25 सालों से ऐसा नहीं कि आज से, 25 सालों से कार्यक्रम मेरा है कि आज कम से कम हजारों जो जीवन और मृत्यु से जूझ रहे थे, हरजन बस्तियों से लेकर के टाउन से लेकर के तमाम ऐसे लोग हैं जिनके लिए जिनको मैंने जीवन दिया वो मृत के कगार पर थे। और आज भी शहर के हर डॉक्टरों के पास मेरा टेलीफोन जाता है और टाउन एरिया का हर व्यक्ति मुझसे कहता है आयुष्मान भैया यहाँ है, नंबर नहीं लग रहा है, यहाँ नंबर नहीं लग रहा है, वहां जरा सा हमें दिखवा दीजिए। तो मैं खड़ा होकर के जिस रूप में मैं रहूं उनके गाड़ी में बैठ करके उन्हें स्वास्थ्य लाभ और उन्हें जीवन देने का काम करता। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.